यमुनानगर में रिश्तों को तार तार करने वाली एक खबर सामने आई है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना गांधीनगर की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंदबुद्धि बहन के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस अधिकारी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कल मैडम 4 बजे करीब हमारे पास थाना में कंट्रोल रूम यमुनानगर से सूचना आई थी, एक लड़की है और जगाधरी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है और गर्भवती है, जिस पर मैं और मेरे साथ महिला SI उस अम्बाला जगाधरी में पहुंचे और लड़की पहले लड़की से पूछताछ की। लड़की कुछ मानसिक तौर पे कमज़ोर थी, कुछ स्पष्ट नहीं बता पाई। उसके पिता ने बताया कि मेरी लड़की के पाँव सूज गए थे 4-5 दिन पहले, तो मैंने प्राइवेट डॉक्टर से पता किया कि क्यों क्या कारण है, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कोई इलाज करने से, तो उन्होंने कल एडमिट कराया उसको सिविल हॉस्पिटल जगाधरी में। तो लड़की के फादर ने बताया कि मेरी लड़की ने मुझे बताया कि मेरा छोटा भाई 6-7 माह से मेरे साथ गलत काम कर रहा है, जब हम दोनों पति पत्नी बाहर चले जाते थे तभी तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है लड़की के बयान पे और लड़के को आज गिरफ्तार कर लिया गया, पेश करना है जुनाइल लड़का, कोर्ट में पेश किया गया और बाल सुधार के ऑर्डर हो गए करनाल भेज दिया गया। हाँ, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, वो थोड़ी सी खून ब्लड की कमी है उसमें। जी परसों हम लोगों के पास 11-12 बजे किसी ने फोन किया कि इस तरह से एक बच्ची जो है वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है और वही बता रही है कि ये सब कुछ उसके भाई के साथ हुआ है और मानसिक मंदी थी बच्ची। ये हमारे पास करीब 12 बजे के करीब कोई कॉल आई थी एंड 1 बजे मेरी टीम वहाँ गई, चाइल्ड लाइन की टीम वहाँ पहुँची और उसने बच्चे से बातचीत किया। बच्ची ने बताया कि वो 3 भाई बहन एक ही कमरे में सोते हैं एंड उस वक्त बच्चे का ये स्टेटमेंट था कि दोनों भाइयों के साथ रिलेशन है उसके और वो प्रेगनेंसी का पता पेरेंट्स को तब चला जब वो उसके हाथ पांव वैसे ही सूज रहे थे तो वो दिखाने गए डॉक्टर को कि इसको क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो 5 महीने की प्रेगनेंट है। उसके बाद हम लोगों ने CWC उसी दिन उसी वक्त वो कराए उसी ऑर्डर एंड कल हमने उसे हॉस्पिटल में भेजा, वहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस तरह से हुआ है और अभी बच्ची हॉस्पिटल में है एंड भाई ने कबूल किया है कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये, लेकिन उस वक्त हम लोगों का बच्ची की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जब उसका टेस्ट किया गया तो 4 ही ग्राम खून था उसके अंदर, तो ये था कि बच्ची बचनी चाहिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और भाई को अभी अरेस्ट कर लिया गया है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और बहन जो है वो भी हॉस्पिटल में ही है। लेट्स सी कि क्या आगे फैसला होता है उसमें। मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को बहुत जागरूक होना चाहिए क्योंकि मैंने तो अगर पेरेंट्स को भी यही कहा कि अगर हम विक्टिम देखते हैं हमें सिर्फ लड़की विक्टिम दिख रही है, जबकि एक भाई 14 साल का, एक 16 साल का, वो भी विक्टिम है। अगर वो आज फंसा है, शायद वो नहीं जानते थे जो हम कर रहे हैं उसका क्या रिपरकशंस होंगी या क्या होगी, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा जागरूक होकर रहना चाहिए कि अगर बच्चे सो रहे हैं आपको ध्यान तो रखना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, या पेरेंट्स के पास इतना टाइम ही नहीं है, वो बच्ची मानसिक मंदित है। अगर माँ कभी उसके साथ पूछती उससे बैठ के आराम से कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है या सब कुछ ठीक तो है, तो शायद वो तब भी बता देती। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ज़्यादा तेज है लड़की, वो सचमुच छुपाना चाहती थी उस चीज़ को, लेकिन माँ को 6 महीने तक कुछ नहीं पता एंड दिस इज एवरी डे अफेयर। ये नहीं कि कोई एक दिन हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो बच्ची ने ये बताया कि ये लगभग प्रतिदिन ही ऐसा सब कुछ होता है। नेचुरली नहीं सुरक्षित है और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं बार बार कह रही हूँ पेरेंट्स की भूमिका बहुत बड़ी है। मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि पेरेंट्स को सजा होनी चाहिए बजाय बच्चों के, क्योंकि शायद हम वो संस्कार देने में कामयाब नहीं हुए या जो इस उम्र के बच्चों को, 14 साल के, 16 साल के, 18 साल के बच्चों को जिस तरह की सपोर्ट चाहिए इमोशनल, क्योंकि हम सब उस एज से गुजरे हैं, उस एज में जितने भी हार्मोनल चेंज आते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे कोप करना है ये कौन सिखाएगा? बच्चे स्कूल में नहीं गए, वो अगर स्कूल में जाते तो शायद सीख जाते, बाहर खेलते हैं तो सीख जाते हैं, वो ग्रुप में रहे नहीं है, तो ऐसे में पेरेंट्स का रोल और भी बढ़ जाता है कि वो कोपिंग मैकेनिज्म तो जरूर सिखाए बच्चों। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब TV। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਜੀਤ।